सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो शोभा यात्रा में आए हैं जिनको जो नशा करते हैं वो नशे से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बता रहे हैं सभी नशे से आजाद हो चुके हैं। आजादी नहीं यीशु ने आजाद सानू किया है। आजादी नहीं आजादी नहीं यीशु ने आजाद सानू किया है। जय मसीह की सभी को कलीसिया। और ये बहनों की बड़ी गवाहियां हैं और ये 30 साल से और ये 50 साल से नशे करती थी और जब शोभा यात्रा में चले प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की कि उल्टियां लगेगी, नशे से आजाद हो जाएंगे और परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद कर दी यीशु मसीह के नाम में। सब भाई की जय मसीह की। मैं यूट्यूब पर लाइव पापा जी को देखता था। मैं 20 साल से नशा छूट गया हमको यीशु मसीह के धन्यवाद। आपने सुना चर्च ब्रदर ने बताया कि शोभा यात्रा में परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी कि जो नशे करते हैं उन्हें उल्टियां लगेंगी और वो नशे से आजाद हो जाएंगे। ब्रदर ने बताया, सिस्टर को दिखाएं, ये सामने सिस्टर है, नशा करती थी, शोभा यात्रा में आई, प्रोफेसी को रिसीव किया, नशे से आजाद हो चुकी है। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। ओ महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। हालेलुया। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। ओ महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। जितने महिमा कर रहे हैं मैंने आज बताया, जो दाऊद की तरह नाचेंगे दूसरों की गवाही में अपने पड़ोसियों में खुश होंगे, आज आपके लिए भी खुदा स्वर्ग को खोल कर बैठा है। वो हमारे मध्य में परमेश्वर है, आपको भी रिलीज करने के लिए जा रहे गवाहियों को यीशु मसीह के नाम में। यस नेक्स्ट। हालेलुया। यस पास्टर, ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जो बहन बता रही, इनके हस्बैंड फोन के वीजे के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं पा रहा था। जैसे ये ताजपुर चर्च में है और प्रोफेसी को रिसीव किया, जो बहन बता रहे हैं इनके हस्बैंड फोन के वीजे के साल ब्लेस हो चुके हैं। हाथ चुकी के मंग दुआ, यीशु तेरी चोली भर देगा। हाथ चुकी के मंग दुआ, चोली कर देगा। हालेलुया। सब कलीसिया को जय मसीह दी, पापा जी ने भी जय मसीह दी। मेरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड काफी चिर तो वीजे लिए अप्लाई कर रहे सी पर कोई आई बार रिफ्यूजर आ जाता ही, पर खुदा दे दास जदों प्रोफेसी कर रहे सी मैंने हरवर्ड नु रिसीव किया और अज मैं फौरन दे वीजे ना ब्लेस हो चुके ने। आमीन। सिस्टर की भी है साथ में, कितने लोग खुश हैं। सिस्टर ने बताया कि जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे कि जिनका वीजा बार बार रिफ्यूजन आ रही है, विश्वास करें खुदा वीजा की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने कहा मैंने बड़े जोश के साथ उस प्रोफेसी को रिसीव किया, आज फॉरेन के वीजा के साथ ये बहन ब्लेस हो चुकी है यीशु के नाम में।
वीजा जिन्ने लाया है ओ वीजा जिन्ने लाया है ओ आस जिन्ने दिती है ओ यीशु दा नाम है जी यीशु दा नाम है यीशु दा नाम है यीशु दा नाम है ओ यीशु दा नाम है जी यीशु दा नाम है यीशु दा नाम है यीशु दा नाम है ओ यीशु दा नाम है जी यीशु दा नाम है यीशु दा नाम है ओ नाम विचो ऊंचा यीशु नाम है नाम विचो नाच रहे हैं ना गवाहियां उतर रही हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर देख रहा है मेरे घर में आए हुए हैं आज मेरे घर में आके जितने बच्चे नाच रहे हैं जितने आनंद मना रहे हैं सच्चाई है आप विश्वास करें जब परमेश्वर के दास आएंगे आप बदलने वाले हैं गवाही गवाही हालेलुया पास्टर जी इन सब की बहुत बड़ी गवाही है बता रहे कुछ साल से कुछ दो साल से कुछ पांच साल से कोई दस साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी प्रॉफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे सब दुष्ट आत्मा से आजाद होने जा रहे हैं इन्होंने प्रोफेसी कर सी किया दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं रोगी पौधे पहने रोगी पौधे पहने रोगा तो शिफा रोगी पौधे पहने यीशु दा जलाल ठहरिया यीशु दा जलाल ठहरिया यीशु दा जलाल ठहरिया यीशु दा जलाल ठहरिया यीशु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी यीशु जी मैं तेरा चुके चंगी हो जावांगी हो तेरा पल्ला चुके पल्ला ओ यीशु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी यीशु तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी जितने बोला है उनके साथ वैसा ही होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम आज आनंदित रहो खुदा के कलाम में लिखा सदा आनंदित रहो अगर आप आनंदित हैं मैं आपको फिर बोल रही हूँ जब परमेश्वर के दास आएंगे आप जो अभी आनंद कर रहे हैं नाच रहे हैं दूसरों की गवाहियों में जो आप खुश हो रहे हैं परमेश्वर का आत्मा अपने नबी के द्वारा आज आपसे बातचीत करने वाला यीशु मसीह के नाम यस जल्दी जल्दी से गवाहियां देंगे यस हालेलुया सारी कलीसिया को जय मसीह की पापा जी को जय मसीह की हमारी गवाही ये है साल भर से दुष्ट आत्मा से परेशान थी विश्वास के साथ ले हंड प्रार्थना करवाई थी आजाद हो गई सब अमीन नेक्स्ट जल्दी से सारे कलसिया की जय मसीह की हमारे बेटी है ये 15 साल की इसको ना 8 साल से दुष्ट आत्मा ने बड़ी परेशान किया कठिनाइयों दिन से कोई लोग नहीं इसको ठीक कर रहा है एक दास ने यहाँ से पापा जी के बारे में आंटी वन लेकर इसको रखे थी वो अपने प्रार्थने के लिए इसको भी पिया दिया उसी दिन से हमारे बेटे ने चंगा हो चुके हैं थैंक यू जीसस यस नेक्स्ट 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 सारे जय मसीह दी पापा जी नु जय मसीह दी मेरे सेल बहुत कट गए सी पापा जी दी कृपा दे नाल यीशु मसीह दी कृपा दे नाल मेरे सेल पूरे हो गए यस नेक्स्ट सारे कलीसिया जी को जय मसीह की पापा जी को जय मसीह की मेरा लड़का 10 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान था जगह जगह गया 4 राज्यों में गया कोई ठीक नहीं कर पाया और ब्लैक मैजिक बता रहे थे लोगों ने yes, yes. और यहाँ पर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाया आज चंगा हो गया सुना आपने बहुत जगह लेकर गए बच्चा बिल्कुल चंगा नहीं हो रहा था ये है विश्वास अभी सिस्टर ने भी यही बताया कि कोई परमेश्वर के दास आए चर्च में और उन्होंने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को लिया और इस सिस्टर को दिया कि मैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से ऑयल और वाटर को लेकर आया हूँ और सिस्टर कह रही है इतने सालों से मेरी बेटी चंगी नहीं हो पा रही थी इसीलिए मैं बार बार अनाउंस करती हूँ कि जिसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं लिया वो प्लीज ले लें देखो ये है परमेश्वर के दास जो अपनी उन्नति को देखते हैं उन्होंने ये नहीं बोला उन्होंने बोला प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से मैं अनॉइंटिंग ऑयल को लेकर आया हूँ सिस्टर तू लगा अपनी बच्ची की और वो चंगी हो जाएगी ब्रदर ने बताया स्पेशल सीड बोया जो बच्चा नहीं चंगा हो रहा था वो चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे मसा जब साए जकड़े भी छूटेंगे टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे टूटेगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे मसा जब साए जकड़े
लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे 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 लगाएंगे यहोवा 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 के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के नाम के यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे हम बता पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 मसा जब शाये बंधन भी टूटेंगे 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 साथ भी बार हम पता पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे 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 यहोवा जितने लोगों ने नारे लगाए हैं चक्कर लगाए हैं आज आपके सारे चक्कर खत्म होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में और जितने हमारी ब्रांचेस में मौजूद हैं आप भी जहां अपने स्थानों पर खड़े होके अगर चक्कर लगा रहे हैं जय जयकार कर रहे हैं खुदा आपको भी आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में यस नेक्स्ट सबकी बहुत बड़ी गवाही है ये सभी बहनें बता रही कुछ 24 साल से कुछ 10 साल से कुछ 7 साल से कुछ 3 साल से घर लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे जैसे तालपुर चर्च में आए और प्रोफेसी को रिसीव किया ये बहन बता रही है ये सभी घर के साल ब्लेस हो चुके हैं हो कार्य जिन्हें दिता है हो कार्य जिन्हें दिता है हो कार्य जिन्हें दिता है हो यीशु का नाम यीशु दा नाम है यीशु दा नाम है जी यीशु दा नाम है जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में जल्दी से गवाही सुनेंगे पास्टर जी की जय मसीह की सारी कलीसिया को जय मसीह की मैं 3 साल से घर लेना चाहती थी मुझे मैंने वाटर ऑयल इस्तेमाल किया तो मुझे घर मिल गया और दूसरी गवाही ये है मेरी स्कूटरी चोरी हो गई थी तो मैंने बड़ा भाई बोया और मेरी स्कूटरी मुझे मिल चुकी है पापा जी को जय मसीह सारे कलेशिया को जय मसीह मैं 24 साल से घर लेना चाहती थी नहीं ले पा रही थी और जब मैं पापा जी बोले 3 दिन बीज बो जो भी काम रहेगा उनका वो हो जाएगा मैंने 3 दिन बीज बोया और परफेक्सी को रिसीव किया और हमको फ्लैट की आशीष मिल गई हालेलुया यस नेक्स्ट पापा जी को जय मसीह की सारी कलीसियाओं को जय मसीह की मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ मैं पिछले 10 सालों से घर के लिए बहुत कोशिश कर रही थी और मेरे घर बहुत खदर था पानी गिरता था तो इतना टपकता था कि मेरे बच्चे लोग घर के कटोरी गिलास पूरे बिखेर देते थे फिर भी घर में पूरा पानी भरा रहता था लेकिन पापा जी ने जब अल्फाबेट से के नाम वालों के लिए घर बनने जा रहा करके तो मेरे घर डबल मंजिल से ब्लेस हो चुका है मैं पापा सुनी
लाइन लगी हुई है, कोई स्कूटी के साथ, कोई घर के साथ। उससे कह रही थी मेरे घर में जब बारिश होती थी मेरे बच्चे जगह जगह बर्तन लगाते थे, पानी गिरता था। सिस्टर ने बताया जब परमेश्वर के दास ने कहा 3 दिन यदि कोई बीज बो रहा है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, परमेश्वर उसे सुनने के लिए जा रहा है, बदलने के लिए आपकी सिचुएशन को जा रहा है। सिस्टर ने विश्वास किया और खुदा ने पूरी लाइन आपके सामने 3 दिन स्पेशल सीड बोया और खुदा ने काम किया। अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। QR कोड आपके सामने है, आज परमेश्वर के सामने मन्नत मांगे, स्क्रीन पर QR कोड देखें और कमिटमेंट करें। कोई 3 दिन, कोई 7 दिन या महीना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अय्यूब की तरह हर दिन अपने बच्चों के लिए एक भेंट यहोवा के सामने लेकर जाया करता था। खुदा अगर बच्चों से गलती गुनाह हुआ तो तू माफ कर। अगर आप भी मन्नत मांग रहे हैं, खुदा के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, खुदा आपको भी गवाही के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। यस, हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे, खुदा के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी शोभा यात्रा वाले दिन आए थे, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके अकाउंट में मिराकल मनी होने के लिए जा रही है। इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बता रहे हैं इनके अकाउंट में मिराकल मनी हो चुकी है। यीशु का वा हम तो तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु का वा हम तो तेरी, मैं गावा नच नच के। ओ मैं गावा नच नच के, मैं गावा नच नच के, मैं गावा नच नच के। जितना हमारे ऑनलाइन चर्च में, आपको बताना चाहते हो, चर्च में जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां मौजूद हैं, आज जो हमारा ब्रदर वाला सेक्शन है ना, वहाँ बड़ी फायर है। आज सारे ब्रदर इतना डांस कर रहे हैं, इतना डांस कर रहे हैं। खुदा ने कहा जितने दाऊद की तरह आज डांस करेंगे। आप भी जहाँ पर अगर नाच रहे हो, कूद रहे हो, खुदा की महिमा करो। आज पूरे ब्रदर सेक्शन में जोश आया हुआ है। खुदा ने कहा जितने आनंदित होगे उससे दुगना आनंद मैं तुम पे ट्रांसफर करने वाला हूँ, इसी मसीह के नाम। यस, हम नेक्स्ट टेस्टिमनी की ओर जाएंगे। यस, जय मसीह की। सपना पास्टर को जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही यही है कि मैं बहुत बचपन से मेरी लीवर खराब थे। मैंने पहली बार आया ताजपुर चर्च और वेल और इन्वर्टर ले गए, मैंने लीवर से ठीक हो गए और 12,000 की मिराकल मनी हुई थी। यस, नेक्स्ट। कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। मैंने ऑनलाइन पर पैसे को रिसीव किया और नाइंडिंग ऑटर ऑयल और वाटर यूज किया और मेरे अकाउंट में 1,01,000 की मिराकल मनी हो चुकी है। नेक्स्ट। कलेसियों की जय मसीह की। पापा जी की जय मसीह की। यीशु मसीह की जय मसीह की। मेरे अकाउंट में मनी हुई है, मैं आजाद हो गया। सुना आपने? आपके सामने परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे, प्रोफेसी की आपको मिराकल मनी की आशीष आने के लिए जा रही है। आपके सामने सिस्टर की लाइन लगी हुई है, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, आज लाखों रुपए की मिराकल मनी के साथ ब्लेस हो चुके यीशु के नाम में। ते सारा जांदा यीशु नु जलाल, ते सारा जांदा यीशु नु जलाल, ते सारा जांदा यीशु नु जलाल, ते सारा सुनेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। पास्टर जी, इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं, ये पिछले 15 साल से इनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, आजाद होना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ है वो कोर्ट केस से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज ये बता रहे हैं उस कोर्ट केस से आजाद हो चुके हैं। ते सारा जांदा यीशु नु जलाल, ते सारा जांदा यीशु नु जलाल, ते सारा जांदा यीशु नु हजूरी है कमाल, उंदी ओथे जिते यीशु दा जलाल, पाक रूह दी हजूरी है कमाल, उंदी ओथे जिते यीशु दा जलाल। ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ते सारा जांदा यीशु नु जलाल, ते सारा जांदा
जितने लोग नाच रहे हैं गवाहियों में आनंद कर रहे हैं मेरा परमेश्वर आशीष दे। अभी आपने सिस्टर की गवाही सुनी, कोर्ट केस था, आजाद नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब स्पेशल बीज बोया परमेश्वर के राज्य में और साथ ही साथ परमेश्वर के दास से दुआ करवाई तो परमेश्वर ने कोर्ट केस से आजाद कर दिया। अगर लाइव में ऑनलाइन चर्च में कोई ब्रदर या सिस्टर मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पर भी सेम प्रॉब्लम है, कोर्ट केस है, तो आप भी खुदा के राज्य में बेस्ट चीज बोकर एक बार परमेश्वर के दास से ले हैंड दुआ करवा के देखें। खुदा बदलने के लिए जा रहा है आपकी परिस्थिति को यीशु मसीह के नाम में। यस, नेक्स्ट सेशमनी की ओर जाएंगे, खुदा का थैंक्स करें। पास्टर जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे हैं जो शोभा यात्रा में जा रहे थे प्रोफेसर जी प्रोफेसी की कि सबके बैंक में मिरेकल मनी होने जा रहा है, इन्होंने प्रोफेसर का रिसीव किया, बता रहे सब मिरेकल मनी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। नच 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 ने तमला पौनिया यीशु वास्ते, नच 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 ने तमला पौनिया यीशु वास्ते, ओ यीशु वास्ते, यीशु वास्ते, ओ यीशु वास्ते, यीशु वास्ते, यीशु वास्ते। गवाही देंगे अपनी, मैं शुभ यात्रा से गई सी, पापा जी ने प्रोफर जी ने बरवासी गई सी कि ताडे मिरेकल मनी हो रही है, ते 25,000 दी सचमुच मिरेकल मनी हुई, शुभ यात्रा दे ही मैसेज आ गया सीगा। हालेलुया। सब पूरी कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। पापा जी जब प्रोफेसी कर रहे थे कि सारे लोगों ने मतलब जे नाम से शॉपिंग शॉप खोलने जा रहे हैं, मैंने यहाँ से गई और शॉप खोल लिया यीशु मसीह नासरी के नाम। जय मसीह की। पास्टर जी प्रॉफिट जी को भी जय मसीह की। जैसे मैंने शोभा यात्रा के लिए बीज बोया और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे, नई नई चीज़ों के साथ ब्लेस हो रहे हैं, परमेश्वर उस रिसीव को मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर मुझे दो चैन के साथ ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को विश्वास है कि जिस मिनिस्ट्री में आप आ रहे हैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है,
मैं आपको फिर बता रही हूँ, यदि आप कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर अगर एक गमले के अंदर लगाते हैं, अगर एक संडे आपने गमले में लगाया, अगले संडे आप नेक्स्ट जगहों से अगर पोर्ट के अंदर डाल रहे हैं, क्या वो बढ़िया होगा? क्या उसमें फल आएंगे? वो सूख जाएगा। इसीलिए खुदा ने कहा जहाँ तेरा बीज लगाया जाता है, जहाँ तेरा चरवाहा है, यदि भेड़ वहाँ से फटक जाए, भटक जाए, तो कभी भी आशीषित नहीं हो सकती। ये नहीं करना एक संडे आप कहीं और, एक संडे कहीं और, एक संडे आप यहाँ, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। लिखा, भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं। भेड़ों को पता है हमारा चरवाहा क्या हमें सिखाने वाला है। लिख लेना, अगर आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में वफादारी के साथ यहाँ बने हुए हैं, टिके हुए हैं, तो परमेश्वर ऐसा ट्री आपको बनाएगा, ऐसा पेड़ आपको बनाएगा, आपके रिश्तेदार भी आपको देखकर हैरान होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर ने बताया कि जो नहीं हो सकता था, जो सोच नहीं सकते थे, वैसी वैसी ब्लेसिंग जे नाम से परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि अपनी शॉप खोलने के लिए जा रही है। सिस्टर ने बताया परमेश्वर के दास का शोभा यात्रा में मैसेज आएगा कि मिराकल मनी की ब्लेसिंग आएंगी। सिस्टर को उसी दिन मैसेज आया। थर्ड सिस्टर ने बताया कि दो दो गोल्ड की चेन के साथ परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि आपको गोल्ड के साथ खुदा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। खुदा ने किया। अगर आप भी आज विश्वास करते हैं तो जैसे सिस्टर्स को ब्लेस किया है, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं नच नच दसा सब नू मेरे यीशु जे आना कोई, नच नच दसा सब नू मेरे यीशु जे आना कोई, मैं नच नच दसा सब नू मेरे यीशु जे आना कोई, नच नच दसा सब नू मेरे यीशु जे आना कोई। चूमना चोका यीशु राजा झूम रहे हैं, आज आनंद ट्रांसफर हो रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कहा जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यस, नेक्स्ट एस्टिमेशन सुनेंगे। पासी बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। जे बैंड बता रही इनकी बहन फोन के बीच के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन लग नहीं पा रहा था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए और प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बैंड बता रही है इसकी बहन फोन के बीच के साथ प्रेस हो चुकी है। हालेलुया। जे तू यीशु नू तू करदा है प्यार बंदे आ, ओ नच दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदे आ, 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 ओ नच दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदे आ, नच दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदे आ। थैंक यू जीसस। जितने नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, मेरा परमेश्वर एक नई बात अपने नबी के द्वारा आज प्रकट करने के लिए जा रहा है आप लोगों के लिए। सच बोल रही हूँ, जितने छलांग लगा के रिसीव कर रही है ना सिस्टर, जितने ब्रदर रिसीव कर रहे हैं, सच में नई नई बातें आज यहोवा आपके सामने अपने दास के द्वारा प्रकट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यस, टेस्टिमनी सुनेंगे। यस, सब कलीसिया को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। मेरी जे गवाही है कि हम काफी टाइम से बीजे के लिए ट्राई कर रहे थे पर लग नहीं रहा था। जब हम जहाँ चर्च में आए और पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे कि एच नाम वालों के वीजे लगने जा रहे हैं और मेरी सिस्टर को दुबई वीजा का ब्लेसिंग मिल चुकी है। यस, खुश कितने लोग हैं। सिस्टर ने बताया हम चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की और वीजा ब्लेसिंग मिल चुकी है यीशु के नाम में। Come on.
मला पौनिया यसुवा ते नची नचे नची ने मला फिर बोल रही हूँ आनंदित रहना आनंदित रहना आनंदित रहना क्योंकि यहोवा अपने नबी के द्वारा नई बात प्रकट करने वाला यीशु मसीह के नाम में यस गवाही सुनेंगे हालेलुया पास्टर जी इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है ये अपनी गवाही में बता रहे हैं इनके ऊपर सालों सालों से लाखों का कर्जा चल रहा था ये उस कर्जे को उतारना चाहते हैं लेकिन उतर नहीं पा रहा था इनका कर्जा जैसे ये चर्च में आए प्रॉफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे ये उस लाखों के कर्जे से आजाद हो चुके हैं मैं नचांगा मैं गावांगा मैं नचांगा मैं यीशु लई नचांगा मैं यीशु लई गावांगा बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नू तू पैरां थल्ले हो बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले 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 यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले हो बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले वेरी गुड आज सब आनंद में है परमेश्वर कहता है शीश खुलवानी पड़ती है आप सब आज शीशे खुलवाने के लिए तैयार हो जो कैबिन बैठा है अब वो गौर कर ले हालेलुया वरना 99% तो सभी पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में यस टेस्टमनी सुनेंगे परमेश्वर के नाम में यस यस जल्दी से सबको जय मसीह की पास्टर जी को जय मसीह की और पापा जी को जय मसीह की पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि शोभा यात्रा में आओ तो तुम्हारे सारे कर्जे उतर जाएंगे और मेरा सारा कर्जा उतर चुका है और मैं सारा महिमा परमेश्वर को पापा जी को सबको देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरी एक गवाही मैं पापा जी को अपनी जमीन दान करना चाहती हूँ मैं चर्च खुलवाना पापा को दान नहीं होती वो खुदा को दान होती है खुदा को दान करना चाहती हूँ आप किसी मनुष्य के लिए बीज नहीं देते किसी मनुष्य के लिए अपना घर नहीं देते आप ये बोलो मैं परमेश्वर तेरे कामों के लिए देना चाहता हूँ आज अगर आपने ये वादा किया तो प्रभु डबल अनॉइंटिंग डबल जमीन डबल अभिषेक के साथ आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यस नेक्स्ट 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 यस प्रभु को जय मसीह की मेरी पूरी कलशिया को जय मसीह की मैं जिला बिजनौर से आई हूँ केलोवती मेरा नाम है अब मेरे पति ने का भूमि का कर्जा ले लिया था मेरे बच्चे तीन हैं एक बिचला लड़का मेरा नहीं मानने था वो देना नहीं चाहता था तो इतने वो बढ़ गया 10 लाख अब हमारे पिर में ही है साल भर से आ रही मुझे बहुत चिंता थी घर में लड़ाई झगड़े का मुझे बहुत ही डर लगता था अब मेरा छोटा बेटे ने सारा कर्जा दिया है मेरे 6 लाख 3 लाख मेरा माफ हो गया फिर यहाँ के आने से फिर क्या बोला उन्होंने बताया कि जो बेटा मेरा विश्वास करता था उसी को परमेश्वर ने धनी बनाया और परमेश्वर ने मेरे घर में जो कर्जा था उस धन को रिलीज किया जो ये नहीं उतार सकते थे और सिस्टर ने भी बताया कि जो काम नहीं बन सकता था जो विश्वास करके प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिस्ट्री में आएगा यदि आप डटे रहे यदि आप खड़े रहे तूफान में भी जैसे सिस्टर ने बताया जो विश्वास करेगा वही आशीष को पाएगा यीशु मसीह के नाम में आज जब परमेश्वर के दास आए आप प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करना चर्च में या ऑनलाइन चर्च में जिस जगह पे भी बैठे हो कहना खुदा मुझे यही मुझे ढूंढ ले आज बोलना मुंह खोल के वही खुदा उतरने वाला है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में जोरदार ताड़ियां बजाएंगे खुदा के नाम का थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के नाम में वो तो नचना कमाल होवेगा वो तो नचना कमाल होवेगा वो तो नचना नचना वो तो नचना नचना वो तो नचना नचना वो तो नचना नचना वो तो नचना कमाल होवेगा जदो लड़ा साडे नाल होवेगा जदो यीशु साडे नाल होवेगा जदो यीशु साडे नाल होवेगा नच ले आजा यीशु दी हजूरी विच नच ले तू नच ले आजा
नच ले तू नच ले नचना कमाल होवेगा उदो नचना कमाल होवेगा जदो यसू दा जलाल होवेगा जदो यसू दा जलाल होवेगा हो जदो लाड़ा साडे नाल होवेगा जदो लाड़ा साडे नाल होवेगा थैंक यू जीसस अस तालियां बजाते रहें हालेलुया बोलते रहें और परमेश्वर आपको आज बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में और हम नेक्स्ट को सुनेंगे। हालेलुया पास्टर इन सब की बहुत अद्भुत गवाही है बता रहे कि सब के सब शोभा यात्रा में आए प्रोफेसर जी प्रोफेसी कर रहे थे कि सब नई नई आशीषें पाएंगे बता रहे जिसकी सैलरी रुकी हुई थी उनको सैलरी मिल चुकी है और जो नई चीजें लेना चाह रहे थे वो नई चीजों के साथ ब्लेस हो चुके हैं तुम नाचो गाओ यीशु राजा आया है तुम नाचो गाओ यीशु राजा आया है हर खुशी मैनू यीशु ने विखाई है ऐसे खुशी विच अकबर आई है हर खुशी मैनू यीशु ने विखाई है ऐसे खुशी विच अकबर आई है मैं ओदे लोका विच देनी मैं गवाही है के नचणे नु गवाही सुनेंगे ब्रदर की यस पापा जी जय मसीह दी सारी कलीसिया को जय मसीह दी पापा जी फ्रेश कर रहे सी बी जे ए नाम वाले सैलरी रुकी है ते रिसीव कीती मैं ते सैलरी सारी मिल गई मेनू जी 3 साल तो मिले यस हालेलुया नेक्स्ट जय मसीह की पापा जी जय मसीह की सारी कलीसिया जब सुबह तरह में मैं आया पहली बार तो मेरे को 500 रुपया का मिराकल मनी हो चुका है जय मसीह की पापा जी को जय मसीह की यीशु राजा की जय मसीह की मैंने नए नए सामानों से ब्लेस हो चुकी हूँ शोभा यात्रा में आई थी मैं जय मसीह की सबको कलीसिया को मैं नई नई चीज के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ और गोल्डिंग से ब्लेस हो चुकी हूँ कितने लोग खुश हैं कितने चाहते हैं आज नई चीजें आपके ऊपर भी उतरे खुद ने कहा मेरे राज्य और धर्म की खोज कर बाकी सारी वस्तुएं मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ आज कितने परमेश्वर से मिलने आए हैं कितने खुदा से मिलने आए हैं कितने जिंदा खुदा को पुकारने आए हैं आज बोलो खुदा मुझे तेरी जरूरत है बस खुदा मुझे तेरी जरूरत है अभी आपने सुना शोभा यात्रा में आए लाइन लगी हुई है अभी तो और लाखों का वही है कि नई नई सामान के साथ चीजों के साथ गोल्ड के साथ ब्लेस हो चुके यीशु मसीह के नाम में ते सारा जांदा यीशु नु जला ते सारा जांदा यीशु नु जला ते सारा जांदा यीशु नु जला ते सारा यीशु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी ओ तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला 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 ओ यीशु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी यीशु जी मेरे को 5 साल से थी
मैं दवाई कराई, डॉक्टर बोलता दवाई से नहीं ठीक होगा। फिर मैं यहाँ से चर्चकी की टिकिया ले गई, उससे मेरी स्किन एलर्जी हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पापा को जय मसीह की, सारे के लिए ऐसा को जय मसीह की। मैं इस लड़की के एक साल से पूरे शरीर में था, स्किन दाँत था वगैरह, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला चमड़े वाले डॉक्टर को इसको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर जी कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो बोला कि वही करीब 10-20 हज़ार रुपये लग जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो भी एक पैसे नहीं है। तो मेरी यहाँ घरवाली बोली कि नहीं तुम वहाँ मत जाओ और चर्च जाओ और इसके तेल लगाओ और वाटर लगाओ। तो ये चंगी पूरे एक महीने के अंदर पूरी चली गई यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों ने सुनी गवाही, ब्रदर ने सिस्टर ने भी यही बात बताई कि जाओ, इनकी वाइफ ने बोला प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा। यही बोला ना कि डॉक्टर जो नहीं कर सकता परमेश्वर कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं जो यहोवा ने ही डॉक्टर बनाए हैं, बुद्धि समझ ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आते हैं, उन्होंने बताया एनॉइंटिंग वाटर ऑयल सबके लिए, फिर से बता रही हूँ ऑनलाइन चर्च आपको भी बता रही हूँ, ऑयल वाटर हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। आप ऑफिस जा रहे हो किचन में हर जगह अनॉइंटिंग ऑयल वाटर रखें, क्योंकि जब आप अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को अपने पास रखते हैं हर एक डिजीज हर एक प्रॉब्लम आपके पास नहीं आ सकती यीशु मसीह के नाम। विश्वास करें, जिसने नहीं लिया वो लेकर जाएं ऑनलाइन चर्च। आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, अपने घर पे आप मंगवा सकते हैं। और ये विश्वास है मेरा, आपकी स्किन एलर्जी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। मुझे एक ब्रदर ने गवाही बताई, शोभा यात्रा में आया, उसको बहुत बड़ी रसोली थी और कान के पीछे इतनी बड़ी गांठ थी। जब वो शोभा यात्रा में चला तो उसने चर्च से ऑयल भी ले लिया, साथ में ऑयल लगाया शोभा यात्रा में, चलते चलते इतनी बड़ी जो गांठ थी वो खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आज भी आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है, और आज तो उसका तख्त प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में लगा हुआ है। प्रभु कहता है जो वो चाहे मांगो आज तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के नाम। यस, नेक्स्ट 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 टेस्टिमनी सुनेंगे। हालेलुया पास्टर जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहा है कि शोभा यात्रा से कुछ दिन पहले इसका पांव में हड्डी टूट चुकी थी और ये शोभा यात्रा में जाना चाहता था। इस भाई ने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल का लगाया, हड्डी जुड़ चुकी और ये ब्लेस भी हो चुके हैं। हालेलुया यीशु जी, मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यीशु जी मैं तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। प्रोग्राम बनाए थे जो हम आएंगे पापा जी पापा बजिंदर सिंह के दरबार में। पापा जी को जय मसीह को, और सब कलेसिया भाई लोग को जय मसीह को। अब और क्या बताएं, जो हमारे खम्भे गिर कर हमारा पैर टूट गया था, और टूट जाने के बाद हम सोच रहे थे जो अब हम नहीं जा सकते हैं शोभा यात्रा में। शाम को हम जब घर गए और जाकर अनॉइंटिंग ऑयल लगाए और एक घंटा प्रार्थना किया, मेरे हड्डी जुट गया। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा नया जीवन मिल गया। कितने लोगों ने सुना है? Yes. हम और ब्रदर हमारा गवाही है। Yes, yes, बोलो बोलो। और हमारा गवाही है, जन्म से लेकर आज तक हम इतना बीमारी में था, आज इतना ना बीमारी में था जो हम सोच नहीं सकते थे जो हम जिंदा रहेंगे। और हमारे शरीर में इतना बीमारी था जो हम 24 घंटा एक ताप से खोखता था, और जो उल्टिया होता था और सांस दम सब फूल रहा था। हम प्रभु से ये कह रहे थे जब कि तो हमको ले चलिए, नहीं तो हमारे बीमारी से आजाद कीजिए। प्रभु जी ने सुना और पिछले 7 महीना में हमको पापा बजिंदर सिंह के जन्मदिन के समय में हमको आशीष दिया और हम चंगे हो गए हैं। कितने लोग खुश हैं, कितने लोगों ने गवाही को सुना। ब्रदर ने बताया मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं तो जाऊंगा, हड्डी टूटी है तो भी मुझे तो शोभा यात्रा में जाना है। अगर आप ऐसा विश्वास करके चंडीगढ़ में, जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप जलंधर नहीं आए तो आपके पास सेकंड चांस है जलंधर आने का, सॉरी चंडीगढ़ में आने का। 20 तारीख मॉर्निंग आप चंडीगढ़ चर्च में पहुंचे, पूरा जलंधर पहुंचना चाहिए हमारा। कितने जलंधर वाले तैयार हैं? सारे आओ, सारे आओ और देखो चंडीगढ़ में आके धूम मचा दो यीशु मसीह के नाम में।
आप जब आएंगे आप ऐसे नहीं, लोगों ने मैं बहुत अनॉइंटिंग देखी है परमेश्वर के दास के चेहरे से, इतना नूर आ रहा था हम तो दूर से देखा, इतनी लाइट परमेश्वर, इतना अनुग्रह कि लिखा जिसके संगति में रहोगे वही अभिषेक तुम पे ट्रांसफर हो जाएगा। मजाक नहीं करी, यदि आप अभिषेक लेने के लिए तैयार है, यदि आप बुद्धि समझ ज्ञान लेने के लिए तैयार है, चंगाई लेने के लिए तैयार, बने रहो परमेश्वर के दास। एक वचन हर संडे बोलते हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। अगर आप बने हुए हैं, अगर आप ठहरे हुए हैं तो लिख लेना। मैंने तो लिखा कि जनवरी से परमेश्वर के दास एक बात बोलते हैं, लिखना शुरू करो तब आपको पता चलेगा कितना फर्क आपकी लाइफ में आया है। लिखना और परमेश्वर बदलेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा और परमेश्वर अनुग्रह को दिखाएगा। एक लास्ट गवाही हम जल्दी से सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यस, पार्सी भाई की बहुत बड़ी गवाही है। जे भाई बता रहे हैं कि बेटा फोन के वीजे के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं पा रहा था, जैसे ताजपुर चर्च में आए और पापा जी से फ्री लैंड प्रेयर करवाई, ये भाई बता रहे हैं कि बेटे का फोन का वीजा लग चुका। हालेलुया। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। महिमा 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 साल से परेशान था, नहीं लग रहा था, तो पिछले महीने मेरे बेटी यहाँ लेके आई ताजपुर चर्च में और पापा जी ने बोला जा बेटा तेरा सरकार मनोकामना पूरी होगी। घर जैसे पहुँचा तुरंत वीजा का अप्लाई आ गया, अभी सभी दुबई पहुँच गया हो। कितने खुश हैं, ये सच्चाई है। बड़े बड़े पैसे वालों के भी रिफ्यूजन आ रहे हैं लेकिन यदि आप यहोवा में बने हुए हैं। मेरा एक पैसा भी नहीं लगा, पैसा भी नहीं लगा ना, नहीं। क्योंकि आपने विश्वास किया कि जो परमेश्वर के दास ने बोला पूरा होगा जी। आपने विश्वास किया ना जी सर। और बेटा चला गया। आज अगर ऑनलाइन चर्च में भी कोई ब्रदर सिस्टर है या चर्च में मौजूद है, आपके सामने गवाही है। मुझे पता है 90% अपने पर्स में हमेशा पासपोर्ट साथ लेके घूमते हैं। यदि आप यहोवा को साथ लेके घूमेंगे आपको कॉल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कितने यीशु की जयजयकार करने के लिए तैयार है, कितने उसकी महिमा करने के लिए तैयार है। तो आइए अपने स्थानों पर हम खड़े होंगे। ब्रदर ने बताया विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने क्या किया, खुदा ने क्या किया, अपने नबी को इस्तेमाल किया और वीजा ब्लेसिंग आई, बेटा पहुंच भी चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितनी जयजयकार करने के लिए तैयार हैं कि आज परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ दे। आज परमेश्वर जो नहीं देख सकता उसे दिखाए, जो नहीं सुन सकता वो सुने, जो नहीं बोल सकते वो शोभा यात्रा में जयजयकार के नारे लगाने वाले। तो आपको बोलना पड़ेगा आज, आपको आराधना करनी पड़ेगी आज, आपको परमेश्वर की महिमा करनी पड़ेगी। तैयार है तो आइए नाचते हुए खुदा की महिमा करेंगे। टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे, मसा जब साए जकड़े भी छूटेंगे, मसा जब चाहे जकड़े भी छूटेंगे, साथ भी बार हम पता पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा हो की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे, चक्कर लगाती हो सब हो चिरों की दीवारों के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे, यहोवा के मसा से आज हम झूमेंगे झूमेंगे साथ भी बार हम बता पाएंगे, यहोवा यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे
यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, जे तू यीशु नू तू कर दाए प्यार बंदे अभिषेक जेड़ा बदा ही जावे, दे अभिषेक जेड़ा बदा ही जावे, दे अभिषेक जेड़ा बदा ही जावे, अभिषेक जेड़ा बदा ही जावे, जेड़ा शैतान दया किले नूटावे, जेड़ा शैतान दया किले नूटावे, जेड़ा शैतान दया किले नूटावे, मेरे खुदा तूने दुआ रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, मांगे सबके मांगे, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठाए, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा 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 मसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा 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 मसा, अभिषेक अभिषेक, दे दे अभिषेक, अभिषेक अभिषेक, दे दे अभिषेक, अभिषेक
दे दे अभिषेक परमेश्वर की महिमा के लिए खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों ताली हाथ गूंजेगा ताली हो जाए खुदावंद के सुर से गो खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों जे तू ये सुनो तू करता है प्यार बंदे आ वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के वांगू जी नच नच के जोर से तारीफ करते हाथ गूंजा ढाक जितने नंदी थे परमेश्वर की आराधना करते हुए हाथ गूंजा ढाक जोर से मेरे यीशु दियां सिफतां सुनावा मैं ओदे नाम दे गीत हुणे गावा मैं मेरे यीशु दियां सिफतां सुनावा मैं ओदे नाम दे गीत हुणे गावा मैं मेरे यीशु दियां सिफतां सुनावा मैं ओदे नाम दे गीत हुणे गावा मैं मेरे यीशु दियां सिफतां सुनावा मैं ओदे नाम दे गीत हुणे गावा मैं ते क्यों ना नच नच भंगड़े भी पावा मैं क्यों ना नच नच भंगड़े भी पावा मैं नच नच भंगड़े भी पावा मैं यीशु दा दीवाना हो गया 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 मैं यीशु दी दीवानी हो गई मैं यीशु दी दीवानी हो गई दीवानी 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 यीशु मसीह की मैं दीवानी 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 यीशु मसीह की दीवानी ओ दीवानी मैं दीवानी दीवानी मैं दीवानी ओ दीवाना मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना 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 आया करो चच जाया करो गीत मिठे मिठे गीत मिठे मिठे वो गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो
मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो, गीत मिठे मिठे यीशु जी दे गाया करो, चढ़िया लोको यीशु सच दा चंदर हाथ गू चढ़ा कर ताली हो जाए कितने नंदी जय आराधना करते हुए जो नंदी जय एक बार शोर हो जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया मैं नचांगा मैं गावांगा मैं यीशु लई नचांगा मैं यीशु लई गावांगा मैं रूह विच नचांगा मैं रूह विच गावांगा मैं यीशु लई नचांगा मैं यीशु लई गावांगा कितने वर्शिप करने के लिए तैयार है हाथों को उठाएं और पहले तालियां बजाएं एक साथ दाऊद की तरह तालियां बजाएं उसके अभिषेक को लेने के लिए कहते दाऊद को शर्म नहीं आती थी यहोवा के भवन में जाके आज आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए अपने हाथों को उठाएं पूरा उठाएं कलीसिया पूरे हाथों को उठाएं और दाऊद की तरह तालियों के साथ यहोवा की तारीफ करेंगे दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू दाऊद वांगू जी नच नच के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू 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 जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के सारे बहम तोड़ते सारे भेद खोलते सारे बहम तोड़ते सारे भेद खोलते ओ यीशु वाजी भी आ जिंदा हो ते कम बोलते यीशु वाजी भी आ जिंदा हो ते कम बोलते दिविया जिंदा हो ते कम बोल दे तुसी आया करो तुसी जाया करो जाया करो तुसी जाया करो
चुक के तालियां बजाया करो, हाथ चुक के तालियां बजाया करो, हाथ चुक के तालियां बजाया करो, हाथ चुक के तालियां बजाया करो, तुसी आया करो, तुसी जाया करो, तुसी आया करो, तुसी जाया करो, हाथ चुक के हालेलुया गाया करो, चुक के हालेलुया गाया करो, चुक के हालेलुया गाया करो, अति चुक के हालेलुया गाया करो, चुक के हालेलुया गाया करो। पीते 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 तन तन हो गए ने, तन तन हो गए ने, जिन्ना दर्शन यीशु दे कीते, तन तन हो गए जिन्ना दर्शन यीशु दे कीते, ओ तन तन हो गए ने, ओ तन तन हो गए ने, जिन्ना दर्शन यीशु दे कीते, सारे वहम तोड़ते, सारे भेद खोलते, ਯੇਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ, 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 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯੇਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ, सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।